आप सभी ने ये पंक्तियाँ अवश्य सुनी होंगी। साबरमती के संत, तूने कर दिया कमाल। लेकिन क्या आपको पता है कि साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? यदि आपको नहीं पता तो आप माटी की विरासत के रोमांचक सफर पर बने रहिए प्रेरणा मीडिया के साथ, क्योंकि हम आपको न मात्र साबरमती के उद्गम स्थान पर ले चलेंगे बल्कि जानेंगे इसे फोल्ड माउंटेन क्यों कहा जाता है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। 692 किलोमीटर लंबा यह पर्वत भारत के चार राज्य गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला है, जबकि पाकिस्तान के दो राज्य पंजाब और सिंध में भी इसकी पहाड़ियां मौजूद हैं। अरावली शब्द अरा और वली से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है शिखरों की पंक्ति। यह पर्वत चार नदियों साबरमती, बनास, लूनी व सखी का उद्गम स्थल है, जबकि यहाँ सीसा, तांबा और जस्ता जैसे अमूल्य खनिजों का भंडार भी है। अरावली पर्वत का 80% हिस्सा राजस्थान में है। इसका पश्चिमी भाग मारवाड़ और पूर्वी भाग मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। यह स्थान राणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान, बापा रावल, महाराणा प्रताप और वीर दुर्गादास राठौर जैसे वीरों की कर्मभूमि रही है। मेवाड़ में ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, जिसे मौर्य राजा चित्रागंध ने स्थापित किया था। माउंट आबू में अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो समुद्र तल से 5,653 फीट ऊंची है। आबू की पहाड़ी पर ही मां अर्बुदा देवी का प्राचीन मंदिर है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है यहाँ माँ सती के होंठ गिरे थे। यह मंदिर तलहटी से 365 सीढ़ी ऊपर है। स्कंद पुराण के अनुसार अर्बुदा पर्वत, जिसे गौरी शिखर पर्वत भी कहते हैं, यहीं पर गणपति जी का जन्म हुआ था। इसी पर्वत पर है राजस्थान का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान पुष्कर राज, जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है। मान्यता है इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिवसीय यज्ञ किया था। अब प्रत्येक वर्ष यहाँ 5 दिन का मेला लगता है, जब लाखों श्रद्धालु पुष्पक सरोवर में आस्था की डुबकी लगाने पहुँचते हैं। अरावली का एक और तीर्थ है मचकुंड। मान्यता है यहाँ स्नान करने से चर्म रोग से छुटकारा मिलता है। धौलपुर से 3 किलोमीटर दूर इस सरोवर के चारों ओर 108 मंदिरों की श्रृंखला है। यह स्थान भगवान श्री राम से 19 पीढ़ी पूर्व और सूर्यवंश के 24वें राजा मुचुकंद के नाम से जाना जाता है। झुंझुनू से लगभग 80 किलोमीटर दूर है लोहारगल, अर्थात जहां लोहा गल जाए। मान्यता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने के बाद पांडवों ने यहीं स्थित सूर्यकुंड में स्नान किया था, जहां उनके हथियार भी गल गए थे। दिल्ली में जिस रायसीना हिल पर राष्ट्रपति भवन बना है, वे हिल्स अरावली पर्वत का ही भाग है। अरावली पर्वत मोड़दार है, इसीलिए इसे वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है।